अच्छा फील कर रही हूँ कि इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। कम प्रोग्राम आए साल बार बहुत लाभ है। पहले जो घर वालों से स्टेशनरी के लिए जो पैसे लेने पड़ते थे, अब दीन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे लाडो सरस्वती अवार्ड, जिस अवार्ड की शुरुआत सामाजिक सरोकार परिवार हरियाणा की टीम द्वारा की गई थी। आज उस अवार्ड की जो राशि थी, दूसरे महीने घर घर जाकर सामाजिक सरोकार परिवार के सदस्यों के द्वारा वितरित की गई। आप साफ देख सकते हैं सामाजिक सरोकार परिवार टीम के सदस्य, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान, सभी मिल कर बांट रहे हैं घर घर जाकर लाडो सरस्वती अवार्ड की राशि। तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है हर घर की दहली पर जाकर लड़कियों को ये राशि दी जा रही है। सामाजिक सरोकार परिवार टीम के सदस्य वॉलंटियर हमेशा समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और देखिए सामाजिक सरोकार परिवार किस तरह ऊंचाइयों को छू रहा है। सामाजिक हमारे लड़कियों को घर पर आकर 100-100 रुपए दे रहे हैं, हमने बहुत अच्छा लगा। हमारी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सुविधा मिल रही है जी। देखो यहाँ हमारे बच्चों ने पैसे इसलिए मिल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों ने पेंसिल या बुक या कुछ भी अपना सामान ले सकते हैं। इस तरह हमें बहुत अच्छा लग रहा, हमारी लड़कियों की बहुत अच्छी सुविधा के कारण बच्चों को पैसे मिल। सरोकार टीम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सामाजिक सरोकार टीम लगातार आज पूरे दिन से ही गांव की प्रत्येक लड़की को सम्मान राशि बांटते हुए देखी गई गांव बूढ़ा खेड़ा की गलियों में। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीएन हरियाणा के। पैसे नहीं मांगने पड़ते, अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। पढ़ाई के लिए बहुत फायदेमंद है। तो संस्था का किस तरह का प्रयास है? ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत नेक प्रयास किया गया। पहले लाइब्रेरी खोली गई थी, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं। साथ डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर से। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो भी गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर ने जो भी ये योजना शुरू करी है बहुत ही बढ़िया है, और इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और ये योजना आगे भी चलती रहे इसी प्रकार, तो 100 रुपये दे करके जो सम्मानित किया इससे हम बहुत ही खुश हैं। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रोत्साहन के रूप में दी गया, इससे हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो अपनी जरूरत खुद से पूरी कर सकती है, परिवार वालों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। तो संस्था का किस तरह का प्रयास है? यह संस्था का बहुत अच्छा प्रयास है ताकि लड़के आगे पढ़ सके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जगह मिले। इससे पहले संस्था ने लाइब्रेरी खोली थी और अब उन्हें प्रोत्साहन के रूप में पैसे दे रही है। आपका नाम? कीर्ति। जो सामाजिक सरोकार परिवार के द्वारा हमें सम्मान राशि दी जा रही है उससे हमें बहुत लाभ है। पहले जो घर वालों से स्टेशनरी के लिए जो पैसे लेने पड़ते थे, अब हम अपने खुद के पैसों से स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं, हमें घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो साथ में लाइब्रेरी खुलवाई है उसका भी हमें बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, घर वालों को भी बहुत चिंता रहती थी, तक दूर से टाइम लगता था आने में। अब नज़दीक है तो चले जाते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। यहाँ से अपर लेवल तक की जो UPSC लेवल तक की सारी बुक्स रखी हुई हैं। जो सम्मान राशि हमें मिल रही है उससे हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच।